नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। फर्जी डिग्री मामले में दिल्ली के कानून मंत्री गिरफ्तार। दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को फर्जी डिग्री मामले में पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें हौज खास थाने में रखा गया है, जहां उनसे पूछताछ की गई। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी ट्विटर पर तोमर की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। तोमर पर इस वर्ष की शुरुआत में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान कानून की फर्जी डिग्री जमा करने का आरोप है। तोमर त्रिनगर से विधायक हैं और उन पर भागलपुर यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्री लेने का आरोप है। आपने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार और एलजी की गुप्त सहमति से यह गिरफ्तारी हुई है। निर्वस्त्र कर कौड़ियों में नीलाम होती हैं लड़कियां। इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों द्वारा अपहृत लड़कियों को गुलाम बाजारों में सिगरेट के एक पैकेट की कीमत में बेच दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की दूत जैनब बांगुरा ने सोमवार को कहा कि यह ऐसी लड़ाई है जो महिलाओं के जिस्मों पर लड़ी जा रही है। जैनब ने कई किशोरियों की व्यथा के बारे में बताया जिन्हें जिहादियों ने निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि कुछ को ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया गया। एक छोटे से मकान में 100 से अधिक लड़कियां रखी गई। उन्हें निर्वस्त्र किया गया और नहलाया गया। इसके बाद उन्हें पुरुषों के एक समूह के सामने खड़ा कर दिया गया, जिसने लड़कियों की कीमत लगाई। तटरक्षक डोर्नियर विमान लापता। तटरक्षक का एक टोही विमान 3 कर्मियों सहित चेन्नई के तट से सोमवार देर रात लापता हो गया। तटरक्षक में पिछले साल शामिल हुआ विमान CG-791 रात 9:23 पर राडार से ओझल हो गया। विमान की खोज एवं बचाव के लिए तटरक्षक तथा नौसेना ने अभियान चलाया है। विमान चेन्नई से शाम 5:30 पर नियमित टोही उड़ान पर रवाना हुआ था और उसे चालक दल के अत्यंत अनुभवी सदस्य उड़ा रहे थे। सोहराबुद्दीन मुठभेड़ के आरोपी अभय चुड़ासमा पदोन्नत। गुजरात सरकार ने 1999 बैच के आईपीएस अधिकारी अभय चुड़ासमा को पदोन्नत करके पुलिस उप महानिरीक्षक बना दिया है। चुड़ासमा सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में आरोपी हैं। अभय अभी तक गांधीनगर के राज्य निगरानी प्रकोष्ठ के पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे। गुजरात सरकार ने अगस्त 2014 में बॉम्बे उच्च न्यायालय की ओर से जमानत दिए जाने के बाद उन्हें बहाल किया था। देश में भय का वातावरण बना रहे हैं मोदी, कहा सोनिया गांधी ने। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खतरनाक दोहरा खेल खेलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ मोदी खुद को सुशासन और संवैधानिक मूल्यों का मसीहा दिखाना चाहते हैं, दूसरी तरफ अपने सहयोगियों को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने के बयान देने को प्रोत्साहित करते हैं। गांधी ने कहा कि हमारे धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को नुकसान पहुंचना शुरू हो गया है, जानबूझकर देश में भय का वातावरण बनाया जा रहा है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।